नमस्ते, वेलकम है दोस्त। जी हाँ, हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से ये बात कह दी है। अब वो शाम 2 नहीं, जिसका हम भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐ चांद, तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा? ऐ चांद, तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा? भारत है तेरा आशिक, तुझसे मिलने फिर से आएगा। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3, जिसे प्रक्षेपण यान MVM 3 MP4 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया। अगर हम मिशन मून की बात करें तो 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तत्कालीन PM श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औपचारिक रूप से घोषणा करके शुरू कर दी थी, जिसके ठीक 5 वर्ष बाद, जी हाँ दोस्तों, ठीक 5 वर्ष बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1, जिसे प्रक्षेपण यान PSLV C-11 से लॉन्च कर दिया गया, जिसमें एक ऑर्बिटर साथ भेजा गया। यह एक ऑर्बिटर मिशन था। यहाँ पर ऑर्बिटर मिशन से तात्पर्य चांद की कक्षा के सिर्फ चारों ओर चक्कर लगाना था। इस चंद्रयान 1 ने ही चांद पर जल का पता लगाया था। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, जिसे प्रक्षेपण यान GSLV-MK-3 से लॉन्च किया गया। इसका वेट 3850 किलो था। इसमें एक ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था और एक प्रज्ञान रोवर था। अगर हम यहाँ पर प्रज्ञान की विंग की बात करें तो विजडम था। इसका उद्देश्य भी चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, पर लैंड करवाने से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ही यह क्रैश हो गया। अगर ये क्रैश ना होता तो भारत उसी वक्त दुनिया का एकमात्र देश बन जाता जिसने चांद के साउथ पोल पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा। और अब चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को हमारे MVM 3 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित कर दिया गया है, जिसका वेट 3900 kg है। इसके साथ विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान को भेजा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 पर ऑलरेडी ऑर्बिटर हमारा वहाँ पे सही काम कर रहा है। यह कल 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल के 70 डिग्री स्थित स्थान पर लैंड करने वाला है। आज तक कोई भी देश साउथ पोल पे लैंडिंग इसलिए नहीं करवा पाया है क्योंकि वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स गड्ढे हैं और इसी के साथ साथ वहाँ का तापमान है जो कि -230 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी के साथ हम प्रत्येक इंडियन को भरोसा है कि कल 23 अगस्त की शाम को हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।